वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट। आज का लेक्चर क्या है? आज के लेक्चर में हम जो सीखेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पकड़ा दें तो आप कैसे बताओगे सर ये एलिमेंट कैसा बिहेवियर है इसका? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है एलिमेंट्स की? सबसे पहली क्लासिफिकेशन है सर लीनियर होता है या नॉन लीनियर। अगर कोई एलिमेंट मैं आपको पकड़ा दूं तो कैसे पता लगेगा कि वो एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है? ठीक है, तो लीनियर क्या है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है एनी टू टर्मिनल एलिमेंट, कोई भी टू टर्मिनल डिवाइस हो इज सेड टू बी लीनियर। उसको हम लीनियर तब कहेंगे एट एनी टाइम, किसी भी समय, इफ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर उसकी वीआई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मस्ट बी स्ट्रेट लाइन हो। इसको अंडरलाइन कर लेना, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन हो एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो ओरिजिन से पास करे। अगर वो स्ट्रेट लाइन है फर्स्ट कंडीशन ये है, और सेकंड कंडीशन क्या है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है देन ओनली एलिमेंट इज लीनियर, अदरवाइज एलिमेंट इज नॉन लीनियर। तो सर इसको ग्राफिकली कैसे शो करें? ठीक है, ग्राफिकली बहुत आसान है, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर कोई एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर चेक करना है तो सबसे पहले उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ। ठीक है, अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन है तो वो एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है, और वो लाइन जरूर ओरिजिन से पास करे। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो हम कहेंगे वो एलिमेंट लीनियर है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम कहेंगे वो एलिमेंट नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ग्राफिकली देख लेते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर में फर्क, और इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, मैं अगर कोई एलिमेंट ले रहा हूं, कोई एलिमेंट मैंने लिया ये एक्स, ये मैंने कोई एलिमेंट चूज किया ये एक्स है, पता नहीं कैसा है। अब मुझे बताना है कि ये एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो क्या करें? सबसे पहले क्या करें, उसकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो कहां से पास करे, वो स्ट्रेट लाइन हो सबसे पहले, ये स्ट्रेट लाइन है, और वो कहां से पास करे ओरिजिन से। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है सर, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल है, और ये कहां से पास कर रही है 0.0 मींस ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये लीनियर होगा। इसके अलावा अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो इसको भी लीनियर ही कहेंगे, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो L1 लो, L2 लो या L3 लाइन को, तीनों लाइन में से तीनों लीनियर है। बट इसको छोड़ के अगर कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करें, मान लो ये लाइन 4 ले लिया हमने, ठीक है, ये लाइन 4, ये लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी? ये बिल्कुल नॉन लीनियर होगी, ये क्या होगा नॉन लीनियर। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन लीनियर होगा। देखिए कैसे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है सर, बिल्कुल है स्ट्रेट लाइन। दूसरी कंडीशन क्या है सर, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है लीनियरिटी के केस में, अगर आप 0 इनपुट देते हो, इनपुट अगर आपका इनपुट क्या है, अगर आप 0 देते हो तो आउटपुट भी क्या आएगा, आउटपुट भी आपका 0 आएगा। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 आना चाहिए, ये लीनियरिटी की एसेंशियल कंडीशन है, तभी हम कहेंगे ये गिवन एलिमेंट क्या है लीनियर है। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कह देंगे नॉन लीनियर है। तो सर इसके एग्जांपल्स बताइए, ये तो हो गया सर ग्राफिकली ऐसा दिखना चाहिए उसका भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल देखा जरा, एग्जाम्पल कैसा है इसका, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में R, L एंड C, ये है हमारा रेसिस्टर, ये है इंडक्टर, और ये है हमारा कैपेसिटर। ये तीन एलिमेंट ले लिए, और ये इसमें इनिशियली कोई भी मतलब एनर्जी स्टोर नहीं है। ठीक है, ये क्या है सर, ये लीनियर है, ये सिर्फ क्या करेंगे एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड नॉन लीनियर के एग्जांपल, सर डायोड ले लिया,
या ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर डायोड, ट्रांजिस्टर। थर्ड क्या है सर? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये तो हुए लीनियर, ये सारे लीनियर के एग्जांपल हैं। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो नॉन लीनियर के हैं। ठीक है, तो इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें आप डायोड की या ट्रांजिस्टर की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी होती है। ठीक है, जीनर डायोड हो गया, फोर्थ जीनर डायोड, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? नॉन लीनियर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा सर एक्टिव एंड पैसिव। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव एंड पैसिव।